हेलो एवरीवन दोस्तों, इस वीडियो में अभी जो रिसेंट रिजल्ट्स आए हैं स्टडीज पे उसके रिगार्डिंग मैं डिस्कशन करना चाहता हूं एक ऐसे पर्टिकुलर स्टूडेंट की जिन्होंने एग्जामिनेशन को बहुत इफेक्टिव वे से प्लान किया और फाइनली प्रीलिम्स क्रैक कर पाए। एंड आई वांट कि आप इन स्ट्रेटजीज को इंप्लीमेंट करें, चाहे आप एस्पिरेंट हैं। अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है अभी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, क्योंकि ये सारी चीजें आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं एग्जामिनेशन क्रैक करने में। तो दोस्तों, मैं वन बाय वन इस पर्टिकुलर वीडियो में पॉइंटर्स के रिगार्डिंग डिस्कशन करूंगा कि अगर आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो आपकी प्लानिंग जो होगी एग्जामिनेशन की, दैट विल बी वेरी वेरी इफेक्टिव और अल्टीमेटली रिजल्ट आपके सामने है कि इस पर्टिकुलर स्टूडेंट ने एग्जामिनेशन को किस वे से क्रैक किया। आपके साथ मैं ये चीजें डिस्कशन करना चाहता हूं ताकि आपकी प्रिपरेशन इजी हो पाए। और अगर किसी कोर्सेज में आपको प्रॉब्लम है, कोई सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियोस और उन सब्जेक्ट्स का लिंक चेक कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंटर ये है दोस्तों, जिस भी स्टेट के लिए हम अपीयर हो रहे हैं, एंड इन पर्टिकुलर क्योंकि अभी हरियाणा की नोटिफिकेशन आउट है, मैं स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूं, अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पिक कर लिया कि हमें ये चीजें कवर करनी है, बट लिसन टू वन थिंग, दैट इज सबसे पहले सिलेबस को एनालाइज कीजिए, कितने सब्जेक्ट्स हैं, किन सब्जेक्ट्स में क्या प्रपोर्शन है, कहां से कौन कौन सी चीजें पुट की जाती हैं। एनालिसिस बहुत जरूरी है। अगर एनालिसिस में कोई प्रॉब्लम है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियोस भी आप चेक कर सकते हैं जो कि आपको हेल्प करेंगी इन चीजों में। एनालिसिस का मतलब यह है, जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की, आपको यह मालूम होना चाहिए आप कौन सी चीजें पढ़ रहे हैं, किसको कितना इनपुट दे रहे हैं। दोस्तों, जो रिजल्ट है किसी भी एग्जामिनेशन का, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने किन किन चीजों को फॉलो किया, बिकॉज एक पर्टिकुलर दायरा रहता है हर चीज का, राइट? कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड क्वेश्चन फॉर्मेशन नहीं पुट की जाएगी। एक पर्टिकुलर सिलेबस प्रोवाइड किया गया है, अगर आप उसको अच्छे से एनालाइज करते हैं, आपको यह चीज बहुत हेल्प करेगी। जस्ट चेक आउट द इमेजेस के इस पर्टिकुलर स्टूडेंट ने किस किस वे से इन चीजों को बहुत ही इफेक्टिव वे से प्लान किया। जो सेकंड पॉइंटर है, यह पर्टिकुलर पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, बट अगर आप जुडिशरी एस्पिरेंट हैं, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की, आपके अंदर एक जील होना बहुत जरूरी है। जील में मैं मान के चलूंगा कि एक कॉन्फिडेंस, एक इच्छा इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने की। मेरे को ये याद है, जब इस पर्टिकुलर स्टूडेंट ने एनरोलमेंट की, आई हैड अ वर्ड कि आपको कोर्सेज में या आपको कंटेंट में किस किस वे से प्लान करना है। और इस पर्टिकुलर चीज की मैं प्रेज करूंगा कि स्टूडेंट ने हर चीज को डॉट बाय डॉट कनेक्ट करते हुए इन पर्टिकुलर पॉइंटर्स को फॉलो किया, और अल्टीमेटली रिजल्ट जो है दैट इज पॉजिटिव, कि प्रीलिम्स बहुत इजीली क्रैक हो पाया, जबकि एफर्ट्स स्टूडेंट के हैं, बट अगर आपको ये पर्टिकुलर रोड क्लियर होगी कहां से चलना है, क्या क्या कवर करना है, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू क्रैक द एग्जामिनेशन। थर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर है इस पर्टिकुलर वीडियो का, दैट इस यूट्यूब चैनल पे बहुत कॉन्टेंट अवेलेबल है। आप किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के रिगार्डिंग, एग्जामिनेशन क्या है, कहां से क्या क्या चीजें कवर करनी है, काफी चीजों के हिंट दिए गए हैं, वीडियोस भी आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो वीडियोस हैं ये आपको हेल्प करती हैं इन स्पेसिफिक लीगल, अगर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है उसमें कॉन्टेंट को प्लान करने में, चीजों को रिवाइज करने में आप इन वीडियोस का बेनिफिट ले सकते हैं। यू कैन जस्ट चेक द यूट्यूब वीडियोस, डिफरेंट प्लेलिस्ट है। अगला जो पॉइंटर है, हाउ टू लर्न द सेक्शन नंबर्स। पहले काफी देर पहले मैंने एक वीडियो में बताया था कि जब भी हम सेक्शंस याद करते हैं, अगर उसको हम बुक की तरह पढ़ेंगे, दैट वी आर रीडिंग अ बुक, हम उसको बार बार ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। जस्ट चेक आउट दीज एग्जांपल्स। दोस्तों, ये जो सेक्शंस हैं, सेक्शंस की लिस्ट कहां प्रोवाइडेड है, इंडेक्स में। इंडेक्स का अगर आप मैक्सिमम बेनिफिट लेंगे, आपको एक पर्टिकुलर ऐसा स्केड्यूल बनाना है जिसमें यू हैव टू ट्राई योर बेस्ट कि आप उस पर्टिकुलर सिस्टम को
फॉलो कर पाए, जितनी रिवीजन होगी उतना आपके लिए बेटर है। जैसे कि अब आप ये इमेजेस चेक कीजिए, चाहे वो घर का रेफ्रिजरेटर है, चाहे वो आपकी किचन है, ठीक है, अगर आप मतलब फूड बनाने के शौकीन हैं तो आप वहां पे पेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपने बेडरूम में। इन पर्टिकुलर चीजों को पेस्ट करने का बेनिफिट ये है, जब जब आपकी नजर पड़ेगी उन पर्टिकुलर कंटेंट पे, उन पर्टिकुलर पेजेस पे, देर आर 100% मोर चांसेस कि आपको वो चीजें याद होंगी। तो ये पर्टिकुलर पॉइंटर्स हैं, अगर आप इनको फॉलो करोगे, ट्रस्ट मी, आपको बहुत इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा किसी भी एग्जामिनेशन में। दोस्तों अब एक पॉइंट, क्या जो चार्ट्स हैं या जो कंटेंट है मार्क्ड है या अनमार्क्ड है, क्या ये चीजें हेल्प करती हैं? मान के चलिए आपके पास एक स्पेसिफिक बुक है, जब बुक के बड़े बड़े पैराग्राफ्स आप रीड करते हैं, चाहे वो बेयर एक्ट के हैं, तो आप जब जब पैराग्राफ रीड करोगे, इतना प्रॉपर मटेरियल, मतलब फुल फ्लेज जो मटेरियल दिया हुआ है, उसको लर्न करना मुश्किल है। बट उसमें जो रेलेवेंट पॉइंट्स हैं या जो उसमें रेलेवेंट पर्टिकुलर वर्ड है, अगर हम उसको मार्क कर लें, इट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू रिकॉल द कंटेंट। तो ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी जो है, आप इसको इस वे से फॉलो कर सकते हैं। बेरेट में अगर कोई सेक्शन है, उसमें 5 कंपोनेंट्स हैं, राइट दैट इन योर राइटिंग, आप अपने हाथ से उस चीज को लिखेंगे, उसका बेनिफिट ये रहेगा कि उस पूरे पैराग्राफ में से, उस पूरे कंटेंट में से, व्हेन यू हैव मार्क्ड द पॉइंटर्स याद करने इजी रहेंगे। इवन आपको ये चीजें स्ट्राइक करेंगी कि आपने किस कलर से मार्क किया था, या उस पर्टिकुलर सेक्शन में कितने पॉइंट्स थे, उसके कितने कंपोनेंट्स हैं। इवन यू कैन टेक द हेल्प ऑफ चार्ट फॉर्मेशंस, राइट। लास्ट जो पॉइंट है, दैट इज पॉइंटर नंबर 7। दोस्तों ये जो एग्जामिनेशन है, दैट इज, मैं जो मान के चलता हूं, 70-30 गेम। दैट इज, अगर किसी ट्यूटर ने आपको 70% अपना एफर्ट दिया, 30% यू हैव टू पुट इन योर एफर्ट, ठीक है। कंटेंट इलेबोरेट किया गया, एक्सप्लेन किया गया, बेरेट कवर किए गए हमारी साइड से, आपको कंटेंट की नॉलेज दी गई, ठीक है, किसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इलस्ट्रेशंस हैं, कंटेंट मार्क करवाया गया। अब जो स्टूडेंट का काम है, दैट इज उसको कंसाइज करना कंटेंट को, उसको रिवाइज करना, उसको रिपीट करना। अगर 70% पार्ट जो किसी भी इंस्टीट्यूट की तरफ से या किसी भी गाइड की तरफ से या किसी भी YouTube वीडियोस में आप देखते हैं, दैट इज 70% ऑफ आर एफर्ट, बट अगर वो 30% वाला पेंडिंग रह जाएगा तो थोड़ी मुश्किल आ सकती है। ट्राई योर बेस्ट कि आप इन पॉइंटर्स पे वर्क करें, जो कि रिसेंटली काफी स्टूडेंट्स ने एग्जामिनेशन क्रैक किया, आप भी जल्द एग्जामिनेशन क्रैक कर पाएंगे अगर आप इन स्ट्रेटेजीज को सीरियसली फॉलो करते हैं। एंड इट डिपेंड्स कि आप इन चीजों को किस वे से इंप्लीमेंट करते हैं, अगर इंप्लीमेंटेशन 100% है, रिजल्ट भी आपका उतना इफेक्टिव होगा। दोस्तों थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आपको वीडियो अच्छा लगा इसको जरूर शेयर कीजिए, अपने कॉमेंट देना मत भूलिए। थैंक्स अ लॉट।